हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। मैप मेकिंग की क्लासेस हम लोग देख रहे थे और मैप मेकिंग की क्लासेस में हम लोगों ने लास्ट क्लास में सबसे पहले इंडस के बारे में देखा था, फिर हम लोगों ने गंगा रिवर वाटर सिस्टम के बारे में देखा था। इस गंगा रिवर वाटर सिस्टम में हम लोगों ने यमुना को छोड़ा हुआ था। यमुना को आज हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे यमुना में क्या कुछ रिवर्स हैं, कौन सी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो फिर बिना देरी किए हुए फटाफट शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी हैं जिसको आप YouTube पे जाकर के सर्च आउट कर सकते हैं और अपनी मदद ले सकते हैं। बाकी यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज और ये सब कुछ अवेलेबल टेस्ट सीरीज है। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही था और वहां पर हम लोगों ने ये सब चीजें बात की हुई थी। फिर हम लोगों ने मैप के बारे में देखा था और अभी हम लोग देखेंगे यमुना रिवर वाटर सिस्टम के बारे में। यमुना सिस्टम के बारे में थोड़ा सा अगर देखें पहले थ्योरी, फिर उसके बाद से मैप में देखेंगे क्या कुछ है हमारे पास। सबसे पहले थ्योरी देखेंगे तो दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी के बारे में नहीं, लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में नहीं बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि ये गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। कौन सी बैंक की? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से जो कि बांदेरपंच या फिर उत्तराखंड में आप कह सकते हैं कि यहां पर पाई जा रही होती है। फिर उसके बाद से नीचे जा करके ये टंस रिवर से मिलती है। अब ये टंस रिवर क्या है? टंस रिवर यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि मसूरी रेंज से आकर के गुजर रही होती है, वो भी अगेन उत्तराखंड में मिल रही होती है। फ्रॉम द मसूरी रेंज अब ये प्लेन एरिया में आ जा रही होती है। प्लेन एरिया में आने के बाद ये पहले दिल्ली में जा रही होती है और फिर इसके आगे आगरा के थ्रू निकल आ जाती है हमारी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आने के बाद, इलाहाबाद में आने के बाद ये, या फिर आज की डेट में प्रयागराज में आने के बाद ये गंगा से मिल जा रही होती है। तो यही चीज यहाँ पर लिखा है, पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से दिल्ली मथुरा आगरा यहां से निकलते हुए फिर गंगा पे इलाहाबाद में जाकर के मिल जा रही होती है या फिर आज की डेट में प्रयागराज इसका नाम हो गया है। इसके ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें तो इसकी देखिए कुछ ट्रिब्यूटरीज है, जैसे चेनाब हो गई, सोन हो गई, चंबल हो गई, ये सब काफी ज्यादा ट्रिब्यूटरीज है। चेनाब नहीं, सॉरी, चेनाब में गलती से बोल रहा हूँ, एक्चुअली चंबल सिंध बेतवा कीन ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी हो जा रही होती है जो कि आप यहां देख सकते हैं। दिस इज यहां पर ट्रिब्यूटरी होगी। इन सारे ट्रिब्यूटरी के भी अपने कुछ कह लीजिए कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाती है, तो हमको इतना डिटेल में सब ट्रिब्यूटरी में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हुई हमारी यमुना रिवर वाटर सिस्टम के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यमुना रिवर अभी इस लॉकडाउन में क्लीन हो गई है, तो इस क्लीनलीनेस के कारण देयर इज अ हाई चांस कि यमुना रिवर वाटर पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इस बार। आप ध्यान रखिएगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, और यहां पर ये वाटर जो सरस्वती से मिल रही है ये क्या चीज है। पहले इसको एक काम करते हैं, लोकेशन देख लेते हैं, फिर इसके बारे में कुछ हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये हमारी है यमुनोत्री, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, यमुना रिवर देख सकते हैं आप, और ये इस तरीके से दिल्ली होते हुए आगरा में आ गई, आगरा उत्तर प्रदेश में, और ये फिर कानपुर होते हुए इलाहाबाद में मिल जा रही होती है गंगा के साथ, और फिर यहीं से आगे बढ़ जा रही होती है गंगा रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी बनके। आगरा में इनफैक्ट अगर देखें, यमुना में देखें, तो देखिए यहां पर एक रिवर आ रही है, ये आपकी सिंध आ रही है, फिर चंबल आ रही है, फिर इस तरीके से केन, बेतवा, ये देखिए बेतवा हो गई, सोन हो गई, तो इस तरीके से हमारे पास कई सारी ट्रिब्यूटरी आ जा रही होती है। हालांकि ये जो सोन है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जा रही होती है। तो केन, बेतवा और आपका सिंध और चंबल, ये बेसिकली यमुना की ट्रिब्यूटरीज हो जा रही होती हैं और सारी की सारी ही राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एक ट्रिब्यूटरी इसकी टॉन्स ट्रिब्यूटरी है जो टॉन्स रिवर के नाम से, और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यही है यमुना की। तो केवल और केवल यमुना में इतना ही हमें डिस्कस करना था। अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं और वो चंबल रिवर के बारे में है। तो चंबल रिवर के बारे में बात करें तो देखिए ये निकलती है मध्य प्रदेश से मोहकैंट से, ये इंदौर के एरिया में पड़ता है मालवा प्लेटू में, विंध्याचल विंध्यन रेंज से, सॉरी, एंड फ्लोज टूवर्ड्स नॉर्थ फॉर्मिंग अ गॉर्ज अप टू द सिटी ऑफ कोटा। फिर उसके बाद से आगे बढ़ती है सवाई माधोपुर होते हुए यमुना को ये ज्वाइन कर ले रही होती है। कहां पे? इटावा के पास में। द बनास रिवर
राइजिंग फ्रॉम अरावली रेंजेस मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगेन ये नाम याद रखिएगा, बनास रिवर, और ये बनास जो रिवर है ये इंपॉर्टेंट है, चंबल की ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है। बाकी काली हो गई, सिंध हो गई, पार्वती हो गई, ये सारी भी रिवर्स है जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल है, और इसी वजह से राइट बैंक ऑफ यमुना भी हम लोग इसको बोल दे रहे होते हैं। तो ये अगेन रिवर काफी इंपॉर्टेंट है, सबके बारे में डिटेल याद रखिएगा कहां से कौन क्या हो रहा है। चंबल रिवर इज फेमस फॉर इट एक्सटेंसिव रेवाइंस, गली इरोजन कर रही होती है, या फिर कह सकते हैं कि यहां पर जो चंबल की घाटियां हैं वो बना रही होती हैं। तो काफी ज्यादा ये इलाका जो है वो रेवाइन, गली, और एक तरीके से जो यहाँ की जमीन होती है, जो यहाँ की फील्ड होती है, वो पूरी तरीके से खराब टाइप की होती है, ये उतनी ज्यादा सही नहीं होती, उबड़ खाबड़ रहती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि यहाँ पर कुछ, पहले तो डैम देख लीजिए, गांधी सागर डैम, राणा सागर डैम, ये सब यहाँ पर पाया जा रहा होता है, और साथ में जवाहर सागर डैम, ये तीन डैम है यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा घड़ियाल यहाँ पर पाया जाता है, एंड घड़ियाल इज एंडेमिक टू दिस रीजियन, तो चंबल में घड़ियाल पाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर चंबल रेवाइन के बारे में भी बताया गया है कि अ मेज ऑफ रेवाइंस वैलीज एंड सॉ टूथ रिचेस एंड ऑल दैट, ये सब चीजें यहाँ पर लिखी गई है, इतना ज्यादा डिटेल आपको नहीं जानना है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और बाकी डैम्स वगैरह के बारे में कहां से निकल रही है ये आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप आप लोगों को अब ये क्लियर हो गया होगा। बाकी देखिए यमुना में कुछ और भी चीजें दी गई हैं, जैसे रामगंगा हो गई, रामगंगा हालांकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था गंगा की ट्रिब्यूटरी के फॉर्मेट में, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। शारदा रिवर इसी तरीके से हम लोगों ने देख लिया था कि ये भी सब ट्रिब्यूटरी बन रही होती थी। कर्नाली रिवर के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, कर्नाली हालांकि आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नेपाल में एक्चुअली फ्लो कर रही होती है, तो दिस इज नॉट इंडियन रिवर, और इसी वजह से हमको जानने की जरूरत नहीं होती है। बाकी गंडक रिवर भी आपकी, कोसी रिवर भी होगी, ये सारी की सारी गंगा की ट्रिब्यूटरी होती है जिसके बारे में हम लोगों ने कल देख लिया था। तो ये हमारी पूरी की पूरी सीन है। केन के बारे में आप देख लीजिए खाली, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। दिस ओरिजिनेट फ्रॉम मालवा प्लेटू, और ये पास हो रही होती है पन्ना डिस्ट्रिक्ट से, यानी मध्य प्रदेश से निकल रही होती है, और गंगाऊ घाट पे एक गॉर्ज बना रही होती है यमुना को। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक के फॉर्मेट में जुड़ रही होती है, और जुड़ती कहां पे है, बांदा डिस्ट्रिक्ट में। ये बांदा कहां पे है, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न इलाका है बांदा डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर आकर जुड़ रही होती है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी यमुना रिवर के बारे में, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, गंगा के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ये सारा मटेरियल भी आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा, डाउनलोड करने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, सारी चीजें याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।